अंदर बना लो, नहीं इधर छोड़ते हैं, उधर बनाएंगे। नहीं नहीं सही है, तो हल्का सही है। नहीं वो उधर का ही देगी यार, इधर का ना देगी। अच्छा तेरे नहीं थे मेरे, मैं उधर पता ही वैसे क्यों बत वो भाई छोड़ देते हैं ना, भाई छोड़ के ना। वैसे आपको ये ऊपर से मैं शुरू करते हैं, 128 नंबर है, चेक कर लो। ठीक है वीडियो चेक कर, क्या वीडियो चेक करना, रात मौसम भी खराब था। जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना वो ओरिजिनल होगी, अल्लाह की रहमत से। चोईसा वाले पुराने परिंदे जो है मैंने नहीं इनमें आज तक कुछ डाला, उनकी ऐसे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त, आपका होस्ट मंत्री हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में। जैसे कि रात आपको स्टेटस भी दिया था और बताया था कि सुबह आपको शो करवाएंगे जनाब उस्ताद शुएब भट्ट साहब का, तो आज हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद शुएब भट्ट साहब के पास और इनके पास टेडी कबूतर बड़ी ही ज़बरदस्त और बेहतरीन हालत में मौजूद हैं और वो कबूतर आपको दिखाएंगे। ये उस वक्त के टेडी हैं जिस वक्त में टेडी कबूतर मशहूर होना अभी शुरू हुए थे और उस वक्त में परफॉर्मेंस देना शुरू हुए थे। तो उस्ताद शुएब भट्ट साहब के पास ये तकरीबन 1992 से 93 से जो है ये कबूतर है और शुएब भट्ट साहब के पास से बहुत से दोस्त अहबाब कबूतर लेके गए हैं और जिसके पास ये कबूतर यहाँ शुएब भाई की तरफ से गए तो वहाँ वहाँ उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आती रही और चेंज होती रही। बहुत ही शानदार कबूतर, बड़ा ही ज़बरदस्त रिजल्ट इधर आ। तो आज आपको कबूतर भी दिखाएंगे, शुएब भाई से बात भी बातें भी साथ साथ होती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं शुएब? दोस्तों को शुक्र है अल्लाह का, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक है। हाँ जी अल्लाह की रहमत। तो शुएब भाई ये जो टेडी कबूतर आज हम दिखा रहे हैं ये सुनने में तो आया बड़े अरसे से आपके पास है जी, तो पहले तो ये बताएं कि ये टेडी हैं कौन से वाले, किसके वाले टेडी? ये जी चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले कबूतर हैं। अच्छा। और मेरे पास ज्यादातर कबूतर नवीद मीर साहब से आए। अच्छा, नहीं मतलब ये चोई साहब वाले कबूतर? हाँ जी ये चोई साहब वाले कबूतर हैं, मियां साहब वाले नहीं? नहीं जी मियां साहब वाले कबूतर नहीं है, हम सिर्फ चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले टेडी वाले सारे परिंदे तकरीबन जो उनके अच्छे नंबर थे शुरू से वो बर्ड्स हैं मेरे पास। अच्छा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 128 नंबर कबूतर है ये जो मेरे हाथ। हाँ जी, इनका जो जद्दे अमजद कबूतर थे ना वो जो हमने बादचोई साहब से वगैरह से पूछी थी वो बताते थे कि ये डाव वाले कबूतर थे और इनके जो सात फीमेल लगी हुई थी वो 10 नंबर लगी हुई थी इनकी माँ, ये वहाँ से बने थे 128 डब वाले और 10 नंबर फीमेल लगी हुई थी, 128 बने थे और 116 भी वैसे ही बने थे, 10 नंबर ही फीमेल थी। क्या बात है, कबूतर भी माशाल्लाह बहुत। ये देखें जी ये मेन ब्रीडर कबूतर है 128 नंबर। उस्ताद शुएब भट्ट साहब के पास आपको उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले जेन्युइन कबूतर जो ओरिजिनल हालत में आपको दिखा रहे। तो ये अभी तो स्टार्ट है जी, उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब भी आ गए। तरुण मेहता साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? आंख देखें कैसी कमाल आंख है इसकी, ये इसका चेहरा, ये देखें बगल कहां तक जाएगी इसकी, ये हम ऊपर से शुरू हुए जी 128 आपको दिखा रहे हैं। शानदार कुंदा जी, शानदार पर पुर्जे के कबूतर, ये बहुत ही शानदार पर है ये देखिए, पर उन्हें गैप कोई नहीं, कैसा कुंदा ऊपर की तरफ जाता कुंदा, ये बिल्कुल एक पत्ते की बंद में, और ये इनके गाजरी से पंजे हैं, शानदार खूबसूरत पंजे, माशाल्लाह पान बड़ा चाहिए। 128 नंबर याद रखें जी, ये इस तरह के कबूतर हैं, ये गहरे सारे बंद,
गहरे सलारे भी हो जाते। हाँ जी, ये सलारा ही कलर है कि ये वैसे तो सलारा ही बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तकरीबन 28 साल से ये वाला जो मेरे हाथ में 28 साल से नहीं, इनके बड़े थे मेरे पास, ये तो आगे से वो वही मैं कह रहा हूँ बांधते ही चलते आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कबूतर है जी उस्ताद सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले कबूतर हैं, 128 नंबर। उस्ताद शेब भट्ट साहब के पास आपको दिखा रहे हैं, भट्ट साहब का नंबर मैंने टाइटल में लिख दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं 0333-427-3868 427-3868 ये 116 नंबर कबूतर हैं। अच्छा ये 116 है। हाँ जी, ये तो अब जरा गहरा हो गया, फीके थे इनके जो बाओ जदाद थे ना वो फीके कबूतर थे बिल्कुल ही, और इनकी आंखों में भी तेज कड़े थे। अच्छा, फुल ये लाल आंखों वाले कबूतर थे बेसिकल, ये ब्रीड करते जा रहे हैं। हाँ जी, ये आपस में फिर टैडियों में ही अंदर लाते जा रहे हैं, तो ये इस तरह ये इनकी नोके भी इसी कलर की। हाँ जी, इससे भी ज्यादा वाइट थी, यहाँ सिर्फ 2-3 जो आते थे इनके ना। अच्छा। और दुम में एक आधा लंगोट आ जाता था उम्र सी और एक काला, बाकी ये वाइट थे बिल्कुल कबूतर ना, ये जो 116 थे। और ये लाल आंखों के कबूतर थे, इनके साथ भी 10 नंबर फीमेल लगी हुई थी इनकी जो माँ थी। ये मतलब उम्र बढ़ती जा रही, गहरे होते जा रहे, जो चोई साहब ने लगाए हुए थे बकोल चोई साहब के, नवीद मीर भाई के, उन्होंने हमें जो बताया, आगे से फिर हमने इनके साथ टैडियां ही लगती आई तो इनकी आंखें इतनी मध्यम हो गई हुई हैं। नहीं तो ये सब लाल आंखों के कबूतर थे, यानी कि उस वक्त में डोरा लाल तेज था, कहने का मतलब लाल आंखों के ये परिंदे थे, कसूरी कबूतर थे ये सारे। ये तो बहुत 116 की आंखें बहुत तेज थी। आपको याद है पोस्टर पे चोई साहब ने भी एक कबूतर लगाया था, वो डाव वाला कलर था मगर उसकी आंखें टैडी थी। जी जी, पोस्टर वाला 128 नंबर वो भी बहुत मशहूर हुआ था, ये गहरे कबूतर थे। क्या बात, पर भी बड़ा अच्छा, क्या बहुत शानदार पर। ये देखें जी कैसी परों के रंगों से आपको अंदाजा होगा, ये बगल देखें कैसी जबरदस्त है, पूरे ही शानदार पर। कोई पर ऐसा नहीं जिसको आप कहें कि यार ये पर अच्छा नहीं है, एक जैसे स्टेप है, ऊपर से भी तीन परों का लाइट वेट कबूतर। दुम देखें, लसदार दुम, और ये इसकी हड्डी है, ये ऊपर की तरफ जा रही है जैसे नाइकी का निशान होता है टिक मार्क का, इस तरह की हड्डी और साथ इसके जोड़। एक जैसे पंजे होंगे जी, उसके भी इसी रंग में थे। इसके पांव बहुत मजबूत हैं जी कबूतरों के, और ये बड़े लाइट वेट और बहुत आला जी, ओरिजिनल कबूतर जी। 116 नंबर, 116। हाँ जी, ये 88 नंबर कबूतर है। अच्छा, साइज भी इनके देखें जी, साइज बड़े दरमियाने से नॉर्मल से साइज हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कबूतरों के साइज अब छोटे हो गए, कबूतरों के साइज शुरू से ही ऐसे हैं, ऐसे ही हैं यार। ये टेम्परेचर के कबूतर हैं, इनके साइज वो ज्यादा बड़े नहीं हो सकते। हाँ जी, हो ही नहीं सकते, होंगे तो कोई क्रॉस होगा। अच्छा जी, इसकी आंख देखेंगे अब, ये टेडी कबूतर है 88 नंबर। अब कोई कहेगा जी ये कोई गोल्डन कबूतरों का क्रॉस है, कोई कुछ कहेगा, कुछ कुछ कहेगा, नहीं मतलब कि लाली देख के तो लोग कह देते हैं कि ये प्योर नहीं है। कामरान भाई, सब कबूतर ही लाल आंखों के थे, यही मैं कह रहा हूँ। सिर्फ 31 नंबर ऐसे कबूतर थे, 31, जिनकी आंखें चांदी रंग की थी, सफेद कलर की चांदी रंग की आंखें थी। बाकी 72, 116, 128, 72 ये सारे लाल आंखों के कबूतर थे गहरे। सही, और ये 116 ही सिर्फ फीके थे भैया। ही बस बात कंफर्म करनी है कि लोग हाँ, लोगों को असल में टैडियों का जो पता ना। हाँ जी, वो समझते हैं कि जब तक आंख में लाल डोरा आ जाए तो वो टैडी नहीं होता। ये थे ही लाल आंखों के कबूतर ना, क्या ये तो आगे से लाग लाग के, ये नवीद भाई ने लगाई थी जी 31 सबके साथ, उन्होंने हर किसी के साथ। हाँ जी, उनके ट्रेंड लोगों का ये था कि जी वो आंखें बने सफेद, तो क्योंकि मैरों के कबूतर सफेद आंखों के जरा होते थे, तो उस वजह से ना खूबसूरती ज्यादा थी। ये इन्होंने फिर सारी आंखें बिल्कुल हाथों में ऐसे बैठ जाते हैं ना कबूतर, क्या बात है।
ये देखें आप, जरा बादल हो जाते हैं कभी कभार, अब जरा धूप हुई है, आप इसकी आंख को देखिए, जर्रात रिंग। और मजे की चीज मेन पॉइंट इसका कि इसकी जो पुतली बिल्कुल गोल, बहुत शानदार, बड़ा ही आला कबूतर। ये जी उस्ताद शेब भट साहब का 88 नंबर कबूतर आपको दिखा रहे हैं, 0333-427-3868 शेब भाई का नंबर है, लिख भी दिया, आप देख भी सकते हैं। उस्ताद कामिल जैदी साहब हमारे साथ हैं आज, शौक कर रहे हैं। ये उस्ताद सुहेलन साहब का कौन सा शागिर्द है? ये जी 72 है। वाह जी वाह, ये 72 है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से वही नंबर है जो पुराने ओरिजिनल नंबर थे ना। ये उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले टेडी हैं जी, 72 नंबर कबूतर। इसका जो कांटा था ना वो बहुत मशहूर कबूतर था, फिसी दुम वाला ना। अच्छा। हाँ जी, उस वो जिस तरफ से गुजर जाता था अल्लाह की रहमत से उस परिंदे के बच्चे उड़ जाते थे आपके पास। हाँ जी, ये नवीद मीर भाई के पास थे, मलक अरशद था, ये साहब जी परिंदे वैसे नवीद मीर भाई के तरफ से आए हुए थे सारे परिंदे ना, उन्हीं की वसादत से ये आगे सारे निकले हैं परिंदे, जिस जिस के पास भी गए हैं। राजा अब्दुल हसन साहब अभी दो ही दिखे हैं और ये तीसरा कबूतर आया जी 72। बहुत ही रेशम परे कबूतर है माशाल्लाह, क्या बात। उस्ताद नुमान भट्ट साहब अगर देख रहे हैं जी, देखें जी कबूतर नुमान भट्ट साहब के फेवरेट पा रहे हैं। ये देखें जी, ये परों की ये शेप देख लें, ये ज्यादा कबूतरों का जोर भी नहीं लगता और परवाज भी खुबाई के साथ ही होती है। शेप देखें पर की, लेकिन उसके साथ साथ इसकी तीली का जो है ना स्ट्रक्चर देखें कैसा आला, ये चपटी बिल्कुल तीली। बहुत ही शानदार कबूतर है माशाल्लाह। उस्ताद शेब भट्ट साहब के पास आपको कबूतर दिखा रहे हैं जी, बहुत आला कबूतर माशाल्लाह। उस्ताद मनजीत सिंह साहब नॉर्थ अमेरिका के रिकॉर्ड होल्डर हैं जी, वो भी देखें जरा, ये हैं टैडी कबूतर मनजीत भाई। नुमान भट्ट साहब चैंपियन जेठ, शुरू हो गया बस काम। याद किसने करना, बीवी से लड़के आया हो, गालियां दे रही होगी, भूख लगती है, खांसी शुरू हो जाती है। ये जी 31 नंबर कबूतर हैं जी, ये हैं जी असल 31 नंबर, इनकी वजह से सबकी आंखें ठंडी हुई थी कबूतरों की, ठंडी से मुराद हम जो कहते हैं सफेद आंखें हो गई थी ना। 72 से आप 31 पे इसीलिए आए हैं डायरेक्ट, बीच में 41 पे नहीं, 41 में आपको दिखाता हूँ। मैंने ये इसलिए दिखाया है कि ये इस वजह से, इन परिंदों की वजह से आंखें ठीक हुई थी। अच्छा, नीचे आ गई। ये है जी 31 नंबर, बहुत ही शानदार कबूतर है जी। उस्ताद शेब भट्ट साहब का नंबर 0333-427-3868 और ये उनका शानदार कबूतर 31 नंबर ओरिजिनल टैडी कबूतर 1992 से इनके पास ये कबूतर हैं जी, और शानदार रिजल्ट है माशाल्लाह इन कबूतरों का। ये फिर देखें जी पर, देखें मंजीत भाई, उस्ताद तनवीर कुरैशी साहब, चाहे शहजाद साहब अगर देख रहे हैं, शहजाद भाई गुजरात से, शहजाद जकियाना साहब, हाँ जी हैदर भाई द ग्रेट, क्या हाल चाल है। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कबूतर है। अच्छा, जो कबूतर आया क्यों करके गर्दन उठा लेता ऊपर, बहुत आला जी शायद।
ये 41 है? हाँ जी, ये 41 जनवन 41। ये कितनी एज होगी इसकी? ये तकरीबन है कामरान भाई, तकरीबन सारे कबूतर ना 10 साल से ऊपर हैं। जितने आपने दिखाए हैं अभी तक देखे हैं ना, ये मतलब मेन कबूतर है आप? हाँ जी। अच्छा शोएब, जो बच्चे वगैरह अगर कोई लेना चाहे तो आप इनके डायरेक्ट बच्चे दे देते हैं? हाँ जी, मैंने रखे ये हुए हैं, आपने देखे हैं सारे, अभी इनको विजिट कराते हैं केज का। सिर्फ इनके अलावा कोई बर्ड्स नहीं है मेरे पास, मुझे शौक ही इनका है जी। सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया जी। ये देखें जी कैसी आंख है, 41 की आंख है, दोबारा दिखाओ जी। मेन ब्रीडर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर सारे बहुत दोस्त बाप लेके गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, वो परिंदे बहुत गए। माशाल्लाह बहुत आला जी, पर भी बड़ा, बहुत बड़ा और बड़ा परेल कबूतर है। दुम पंजा मलाइमियत शानदार, बहुत ही आला नायाब कबूतर है माशाल्लाह। उस्ताद मियां एहसन रशीदपुरी साहब देख रहे हैं तो वो भी देखें जी, ये ओरिजिनल चाय साहब वाले कबूतर आपको दिखा रहे हैं। देखें इनका कोई वेट है? 41 नंबर के, बिल्कुल वेट कोई नहीं है जी, कॉम्पैक्ट साइज है, बेहतरीन शानदार कुंदा लगा हुआ, बेहतरीन। ये देखें जी, ये 2 10 नंबर बड़े कबूतर है, ये कलर 10 नंबरों का ये था और एक दूसरा कलर है। इसको चूम के ना दिखा दूं, आजकल हर बंदा जो मर्जी कर, हर बंदा आपको पता ना 10 नंबर देख रहा होता है। हाँ जी, ये असल कबूतर है जी, ये लकवे वाले का बेटे का बेटा है आगे से, ये जिसका मैंने नाम लिया ना लकवे वाला 10 नंबर, ये मशहूर तरीन कबूतर है जिनके बच्चे उड़ते थे। ये नहीं जी, 10 नंबर भी देख लें। उस्ताद औरंगजेब खान साहब अगर देख रहे हैं इस्लामाबाद से, जरा देखें 10 नंबर है, कैसा कबूतर है जी। ये जी उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले मशहूर जमाना 10 नंबर कबूतर। ये दो ही तो कलर होते थे 10 नंबर के, वो फीमेल चेंज करने के बाद जो बहुत आला जी, ये तो आगे से जो फीमेल चेंज होती जाती है उससे। हाँ जी, नहीं मैंने लिंक लगवाया ना फिरोजपुरी से, जो बेसिकल 10 नंबर ये थे तो कसूरी के कबूतर ये। हाँ। मुझे लगता है मामदीन और फिरोजपुर ये मिक्स थे ज्यादा ना, क्योंकि बने तो हैं ये सारे पास। हाँ, वो उसके बाद उनको मैच्योर किया ना सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके, एक जैसे रंग करके। हाँ, वो आपस में फिर टैडियों से क्रॉस होते आए हैं ना, तो वो फिर एक जी बिल्कुल बेजवी हैं बिल्कुल आंखें, लेकिन पुतलियां देखे ना वो गोल है। जी बिल्कुल, नंबर यहाँ पे सैरी बखर साहब लिखा हुआ है 0333 42 73 868 0333 4 2 7 3 8 3 3 8 6 8। बहुत ही इंतहाई हलचल वाली आंख है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा परिंदा माशाल्लाह, और मजबूत बड़ा, बहुत आला कॉम्पैक्ट साइज। ये दूसरा कलर इनमें ये था ले जी उस्ताद हैदर, सबसे पुराना ज्यादा कलर ये है, इनसे आगे वो लाग लाग के तो वो कलर में आ जाते थे। ठीक है उस्ताद, नुमान भट्ट साहब, उस्ताद मंजीत सिंह साहब, औरंगजेब भाई, उस्ताद मोहम्मद अली साहब,
उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब, जो जो दोस्त हमारे देख रहे हैं, अब लोग इनको फिरोजपुरी कहें या जो, सब नंबर अलग-अलग थे लेकिन जेन्युइनली ये 10 नंबर है। 10 नंबर ओरिजिनल ये दोनों कबूतर मैंने आपको दिखाए हैं, क्योंकि इसका बाप मैंने चौधरी सखी साहब से लिया था और वो उसका जो वो परिंदा था वो नवीद मीर साहब के घर था। अच्छा, इन दोनों 10 को भी कभी इन दोनों कलर्स को आपने आपस में भी चलाया? यही निकलते हैं, उसका भी कलर यही निकलता है, इसका भी निकलता है। अच्छा, कोई फीका निकल जाता, कोई 11 हो जाता। हाँ जी, ये फीमेल्स जिस तरह आप चेंज करते जाए उस तरह आगे से बच्चों में कशिश वगैरह या कोई और फर्क आ जाता है। ये जी जेन्युइन 10 नंबर कबूतर है, आप देख लें आप इसके इसके कलर को, इसको उस्ताद शुएब भट्ट साहब के पास, उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले 10 नंबर, और ये देख लें इसकी दुम कितनी है। बहुत आला कबूतर है उस्ताद शुएब भट्ट साहब के पास, जेन्युइन कबूतर है। बहुत आला। कामरान भाई, ये 5 नंबर असल ओरिजिनल हालत में जो परिंदे हैं आज मैंने आपको दिखाए हैं सारे, ये असल 5 नंबर ये परिंदे हैं जी। अच्छा, कि असल 5 नंबर समझ ले, अरक अरक आपको दिखाया, क्या बात है। नहीं जी, ये 5 नंबर कबूतर आपके पास। जी जी बिल्कुल करते हैं, आप नंबर है आपके पास कॉल कर लेंगे, नीचे पिन भी किया हुआ, टाइटल में भी उनका नंबर लिखा हुआ उस्ताद शुएब भट्ट साहब का। बहुत ही अलग नहीं जी, इसका पर सबसे चैंपियन पर है जी 5 नंबर कबूतर। इसका पर बहुत अच्छा फोन आ रहा है उस असद का। बहुत ही आला जी, क्या बात है इस कबूतर की। नंबर कमाल कबूतर, कितनी देर होता दिखाओ। हाँ, ये देखें जी, ये उस्ताद मोहम्मद भट्टी साहब वाले जो कबूतर है वो सारे जो जेन्युइन नंबर जो आपको अभी दिखाए हैं ओरिजिनल कबूतर, मेन ब्रीडर कबूतर है शुएब भट्ट साहब के, ये सारे आपको दिखा रहे हैं। इनमें 88 नंबर, 128 नंबर, 72 नंबर, 41 नंबर, 31 नंबर, सारे कबूतर यहाँ पे बने। क्या बात, बहुत कबूतर चलते ही बड़ा माशा। इधर आ, इंटरव्यू कर ले। ले जी, ये 31 नंबर एक और कबूतर आ गया। अभी 6-6 स्टेप चढ़ गए माशाल्लाह।
20 मिनट तक साह ही नहीं आता। अच्छा भाई जान आप 6-6 स्टेप कर लिए पहले ले जी देखिए कैसा कबूतर पुतली भी बिल्कुल गोल इसकी माशाल्लाह आंख भी लें जी हैदर भाई देख लें इसको भी मिठू जट साहब जी मुल्ला उस्ताद मुल्ला की छत पे मिठू पहलवान वाला कोई कबूतर उड़ाया जी आपके पास हाँ जी वो मेरी फीमेल जोड़ा मेरे ही घर का बच्चा था मिठू की तरफ ये देखो जी 31 कमाल ये कौन से जी ये 5 नंबर ये 5 नंबर जो पहले दिखाया था ये उसका बेटा है अच्छा ये 5 नंबर पहले दिखाया था उसका बेटा 5 नंबर का आया जी सामने रख दूं ला दस क्या होता है ये दो कलर आते हैं जी फीमेल की वजह से सही ये जो इनके सर आप देख रहे हैं ना ये असल पुराने कबूतरों की ये निशानी है कमी थोड़ा तो शौक किया होगा उसका जी जी इनको ये दिखा दी वो छोड़ा है ना बहुत शानदार जी क्या बात ये भी 5 है नहीं जी ये भी 5 आ गया कामरान भाई जैसी फीमेल लगाते जाएंगे बच्चे वैसे कलर वैसे हो जाएंगे वाह भाई ताके क्लास टाइम बहुत देखें जी ये 5 नंबर कबूतर है अच्छा कामरान नहीं जो मानता पे कि जी एंटी कर के आए केंज अच्छे अच्छे स्टेप मार गए नहीं यार पूछ ना भाई साहब बटर किले किले स्टेप मारे सी 3-3 4-4 चार चार पक्के बच्चे ना उन्होंने टैडी रखे हुए हैं टैडी कबूतर जिस घर में स्टेप खुद ही ऊपर चले जाते हैं क्योंकि इधर घेराई करनी होती है यार कामल गाले तो बड़ी गहरी कर गया जोड़े पूरे किए 3 जवान बच्चे और 3 मौलवी पूरे ये भी 5 नंबर है ये भी 5 नंबर ज्यादा तादाद आपकी नहीं सारे ही है मैं दिखा रहा हूँ आपको सब ठीक ठाक है एक और 5 नंबर आ गए वसीम जानी साहब क्या हाल अली साहब ये जी उस्ताद चौधरी सकी मोहम्मद भट्टी साहब वाले कबूतर है ये किन में से शाह भाई बताया ये 72 ठीक है ओके हो गया बहुत शानदार कबूतर क्या बात है
ये चालीस आ गया। कौन है? नहीं जी ये 41 नंबर। सब तो वड्डी काम है लेना जब बड़सा ने काम पता की कीता है जेड़ा बाहर दा फंदा नहीं पाया इन्ने साल तो इन्हें नहीं लैके आ रहे चलते आ रहे हैं गाँव तो सब तो औखा काम है इको ही ब्लड नू लैके ये भी 10 नंबर ये अभी हाँ जी दसिया जी काफी जोड़े तोड़े जवान है और देखें कैसा शानदार तेरी कैसा शानदार पर बहुत ही अच्छा पर माशाल्लाह। उस्ताद अमीन बाजवा साहब कैसे हैं जी? अबू जर साहब देखें जी हैदर शाह साहब बहुत ही अलग कबूतर है क्या बात है माशाल्लाह। उस्ताद शुएब भट्ट साहब का नंबर लिखा हुआ जी 0333 42 73 868 बहुत ही शानदार कबूतर हैं जी ये 10 नंबर कबूतर आपको दिखाया उस्ताद शेख सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले पुराने कबूतर इनके पास हैं। हेलो आधार बहुत आला कबूतर देखिए जी चेहरा मोरा बहुत शानदार बड़ा खूबसूरत कबूतर है जैसे कामरान भाई का पर देखें कैसे कमाल कामरान भाई का भी चेहरा मोरा बहुत जबरदस्त है स्मार्ट ताड़ी तरह हो गया तिखा तिखा नरम नरम लेकिन स्मार्ट गोश्त भी है हल्का फुल्का वो तो होना ही था अब हो गए ना ये तो मुस्तकिल मैंने तेरी वजह से बड़ा बड़ी भाग दौड़ की है तूने वो तस्वीर भेजी थी याद है ना पिंक सूट की गोश क्या बात है जी इसके पल्ले देखे कितने खूबसूरत हैं एक साइड पे ये वाले पर मगर वेहल है खींचे गए ना और इस साइड पे भी ऐसे ही साइड क्या बात है बहुत आला रंग बड़ा खूबसूरत बुरा मानते हैं इसका ये बेटा नहीं जी तीसरी पीढ़ी आ गई ये इसका बेटा आ गया बहुत ही आला कबूतर है जी उस्ताद चेत सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले शहबाज बारा साहब आप कॉल कर लेना शबाज भाई ये नंबर लिखा हुआ नीचे 0333 42 73 868 पर भी बड़े क्या बात इसका आगे से ये बेटा माशाल्लाह कामरान भाई कोई 8-8 10-10 पीढ़ियां तो अल्लाह की रहमत से जोड़ी ये तो बहुत ही आला क्या बात ये कितनी एज का ये देख लें अभी 9 पार पे आया अच्छा बहुत शानदार निकला
अपने ये आगे उसका बेटा आ गया कि भी नौ हाँ ठीक हो गया वीडियो के बाद कर दुमा सिद्धियां करने की जरूरत नहीं पैंदी असी सीधी करते नहीं कदी भी तुम किन्ने फटन आले होंगे जिन तमीज नहीं होंगे फट के नहीं सही लैके आता कबूतर की दुम सीधी करनी पैंदी है भजन वो दुम सीधी नहीं करते ये देख जब तक शौक शौकीन आदमी होता ही वो जो अपना शौक को निखार के साथ दिखाए जिसके पास निखार नहीं हो वो शौकीन नहीं ये 41 नंबर है सही बात है कि नहीं आपके देखे ना माशाल्लाह कितने खूबसूरत खुड्डे बने हैं हर हर खुड्डे के गेट पे अलग अलग बेल लगी हुई है कि रात को चोरी हो तो पता लग जाता है एक नंबर में चोरी हो रही है कि दो नंबर में हो रही है एक बात है ना सारी बात मतलब ये निखार है ना शौक का तरीकाकार है हर किसी के अपने अपने कामरान गल्ला जी तेरे तो कोई नहीं जीत सकता नीचे जो काप के बनाई है माशाल्लाह क्या बात है वो जो काप के पता नहीं दोबारा अच्छा उड़ाएंगे इस दफा तेरी मोहब्बत अल्लाह पाक की जात बेहतर करे शौक होना चाहिए निखार के साथ बिल्कुल यार कामरान अब देखे ना जाल हर जगह नजर आते कुछ लोगों के जाल ही इतने खूबसूरत नजर आते हैं कभी छतों पे जाते हैं तो बड़े यार बड़े, क्या बात है कितना खूबसूरत जाल बनाया है यार सबकी खूबसूरत तरीन छतें लगाई हुई थी कैसे कैसे प्यारे सेटअप बनाए बात तो इनसे है ना अंदर परिंदे जो उनसे ना अच्छे लेवल के होने चाहिए चेयरमैन साहब की तरफ जाए वो जो सीढ़ी लगी हुई है वो ऐसा लगता है जैसे बैरी जहाज में चढ़ रहे हैं आप मतलब की शौक की बात है आपने अपने आप को किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट कर ये तो है अगर खुडे अच्छे हैं तो अंदर कबूतर भी अच्छे होने चाहिए नहीं कबूतर को रखने का तरीका कार भी अच्छा होना चाहिए दिखाने का देखे ना एक एक कबूतर आ रहा है मुकम्मल तौर पे साफ सुथरा होके आ रहा है यही शौकीन ये शौक है असल माशाल्लाह ये भी 5 नंबर अब एक बंदा है वो मारता है आटा कैन बढ़िया जी देखो जी फलाना देखो कुछ लोग पता कैसे लेके आते हैं इस तरह कबूतर को पकड़ के ला रहे होते हैं तीन तीन चार चार ऐसे लगा के नहीं नहीं ये तो हम कहते हैं यार कामरान कबूतर बड़े अच्छे तरीके से दिखाता है कामरान जो है ना नहीं कबूतर का पता क्या खुद परिंदा है ना बेचारा हाथ में आके अपने आप को फैला देगा कुछ कर देगा ये करना पड़ता है बहुत आला बहुत शानदार बल्कि आप ही कीता दोस्त दूस लगे रहे हैं नाल एक दो बंदे बाहरों लाए क्योंकि कम बोल लम्मा और फिर हौली हौली हुण मैं सारिआं नूं घलता जी ओह भी इक बच्चा क्या बात बहुत शानदार मैं लैता ना सवाई कोई ग्राम ओह मेरे कोल हुंदा ओह रात नूं मेरे कोल आ जांदा वे आके कोई ओह छोटा छोटा कम ओहदे नूं करवाई जा रहा मैं जबरदस्त जेल असल में जो हम बड़े जोड़े लगाते थे ना वो ज्यादा 5 और 10 नंबर मिक्स करते हैं आपस में ये सब 5-10 मिक्स हैं कबूतर ना ले जी एक और 5 नंबर देखिए सब एक से एक कबूतर आ रहे हैं माशाल्लाह और तमाम के तमाम उस्ताद जो जी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले टैडी कबूतर नहीं भाजन फीमेल नहीं दिखा रहे वो तो अच्छा नहीं लगता भाई हाथ में आए एकदम कुछ हो जाए उसको 0333-423-8688 उस्ताद शोएब भट्ट साहब का नंबर भी ऊपर लिखा हुआ है ये लें जी ये कत्था रंग भी आ गया क्या बात बहुत ही शानदार
41 में से आ गया। 128 आपने एक ही दिखाया? हाँ जी, वो बड़ा कबूतर दिखाया, उसकी लाज यार छोड़ी नहीं है। ये बशारत अच्छा, बशारत वो गुजरा वाला मंडी वाले बशारत भाई से तो बहुत माशाल्लाह उधर बड़े परिंदे हैं। अच्छा, कोई बशारत साहब देख रहे ना? आओ जी, देख रहे हो? कोई बशारत साहब भी आदर में दोस्त है ना, बड़े अच्छे। अच्छा माशाल्लाह, बहुत आला जी, ये देखें कैसे आला। मिर्जा आमिर बेग साहब के शागिर्द हैं। हाँ जी, चोई बिशारत साहब अपने भाई ने, बहुत शानदार। आजकल काम च बिजी ने, जदों सीजन खत्म होएगा फिर आएंगे इंशाल्लाह। हुण तुहाडे नाल तो पहले दा भी कबूतरबाजी तो हटके भी होना ना? साडा व्हाट्सएप दी वजह नाल। अच्छा, व्हाट्सएप दी वजह नाल। कबूतर भट्ट साहब लेके आ रहे हैं, उनके हाथ में मैंने बता दिया कि चैंपियन कबूतर है ये, ऐसा कमाल कबूतर माशाल्लाह, कहां कबूतर है और पर उसका कहां तक है, क्या बात है, बहुत आला जी। ये किन में से जी? ये भी 41 है। ये भी 41 है जी, ये देखने के काबिल है ये 41। क्या कह रहा था सर? देखें जी, उस्ताद चौधरी शेख मोहम्मद भट्टी साहब वाले कबूतर हैं, शेख भट्ट साहब के पास बाद में कह रहे होते हैं। ठीक है, सही हो। जी बहुत ही आला, बड़े शानदार कबूतर हैं। नंबर थे जो गहरे थे परिंदे ना, बाकी सब ज्यादा तादाद चोई साहब के पास ठीक है परिंदों की थी, और ये 10 नंबर गहरे थे परिंदे, बिल्कुल 128 ये जो बीच में फिर वो डले ना परिंदे। ये भी 41। शहजाद जकियाना साहब देख रहे हैं, अल्लाह पाक उसी को अच्छे करे, सब बच्चे सब के लिए दुआ मांगते। दिखा देते हैं जी, दिखा देते हैं। शहबाज बारा साहब वो कह रहे हैं जी, हमारी पसंद की एक मादा है, इनको पता है, तुमसे क्या वो एक दफा दिखा दो। शहबाज बारा साहब जब वो आएगी, दो चार दिखाते हैं फीमेल, बस वो करते हैं वैसे भी काफी खून किसके। अच्छा, पिछले को बता, ये देखें जी कैसी दूधिया आंख है इसकी, क्या टन लाइट तूने कम की। बहुत अलग होता है बहुत जी, ये देखिए ये वही वाली है। नहीं जी, ये 10 नंबर फीमेल है।
बहुत अच्छा मोर है जी, क्या बात। माशाल्लाह जी 10 नंबर। किधर मेहंदी पे? उधर उधर लेट हो गए, उधर से फिर वो वापस उधर पहुंचना। फिर रात को सारे हम इकट्ठे थे, ये कह रहे हैं शबाज बारा भाई, चेयरमैन साहब बहुत इकट्ठे आए थे। हाँ जी चेयरमैन साहब। और ले जी ये शबाज बारा साहब, ये देख लें बोधी बट्टी सब माशाल्लाह इकट्ठे आए। कोई बात नहीं है, मैंने ये नहीं मैंने आपको वैसे बताया। वसीम भाई नहीं भाई, सारे इकट्ठे ही आए थे। नहीं जी ये फरमाइशी मादा है, वो मेरे ख्याल वो वहाँ से सीधे वहीं गए होंगे। हाँ जी वहाँ से चेयरमैन साहब के डेरे पे, वहाँ से फिर उधर चले गए होंगे। व्हाट्सएप भी थे ये अंडा मत दे देना इसने। अच्छा कामल दे आते इन्हें फिर बिल्कुल ही। हाँ जी व्हाट्सएप नु मैं कहना हूँ ना कि व्हाट्सएप ना दिखाया करो, ना पकड़िया करो। मालिक हो ना उसको पता होता है। हाँ नहीं अगर वो भी तो वो पता ही होता है। मैं करना तो वीडियो बना ये देखो, एक ये भी दिखा यार 5 नंबर। ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ कबूतर आपको दिखा रहे और तकरीबन नंबर एक जैसे। नहीं जी ये मेन कबूतर हैं जी उस्ताद शोएब भट्ट साहब के, बेहतरीन कबूतर। हरिंदर सिंह अरोड़ा साहब बहुत शुक्रिया, आशिक खान साहब बहुत शुक्रिया। इनके पास है ही नहीं जी रेड आई, जितनी तादाद है सारी इन्हीं कबूतरों की है, टैडी कबूतरों की। तो 0-333-427-3868 इनका नंबर है, नीचे लिखा हुआ है आपके सामने है। बहुत शानदार कबूतर। तनवीर सिद्दीकी साहब थैंक यू जी, आशिक खान साहब, उस्ताद मंजीत सिंह साहब, देखें जी ये कबूतर सारे माशाल्लाह आपको पसंद आए होंगे। तो ये कबूतर है जी उस्ताद शोएब भट्ट साहब के, आपको दिखा दूँ। आप पहले उधर छोड़ेंगे वापस? हाँ जी फिर ये इधर वाले केज के दिखाता हूँ। हाँ जी मैंने इसे चांद पिंदे दिखाऊंगा अगर आपको देखिए पकड़े कर दिया है और पकड़े सेटअप बहुत अच्छा है। कामरा भाई दिखाता हूँ आपको ना सेटअप। काबक का क्या साइज है वो? ये वो गैलरी आपको दिखाता हूँ अंदर से ना, इनको पहले उधर जरा कर लें। कर ले कर ले कैसे कर ले फिर वो बंद नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बना दें फिर। अच्छा नहीं वो बंद हो जाएगी तो ये फिर अंदर ये देखते हैं ना, इनके अंदर बात है। दो चार ज्यादा कबूतर मेरे पास में काबरा भाई जो पकड़े जाते हैं। आप आओ बाहर, आप बाहर आओ वहां तो बीच में जाके ना थोड़ी सी वीडियो आप बाहर आके ना उधर बैठे, ये इसको अंदर भेज दें, अंदर की थोड़ी सी वीडियो बना लेगा तो यहां से जगह फ्री हो जाएगी। ये उधर छोड़ दिया। अच्छा हां यहीं उधर ताकि जाकर ये बंद कर अंदर आओ तुम। अंदर चले अंदर चल भी दिखा देता ना, उन्होंने अंदर आ जाना नहीं तो। नहीं नहीं आ रहे हम बस। आपने केज का क्या, मैं केज में आपको दिखा देता हूँ। ये जी बड़े बना हुआ है, 2 फुट गहरा है, 1.5 फुट ऊंचा है, 2x2 है। ये आगे डोर लगे हुए हैं स्लाइडिंग डोर के, इनका इसका खाना बंद करना हो तो इस तरह कर लें। ये चीज है तकरीबन कितने खाने लगे हुए हैं ये? ये 48 है। 48 यहाँ और उधर उधर तकरीबन कोई 25 के हैं। अच्छा जो पट्टी पट्टी है वो सारे आप यूं ही छोड़ते हैं? हाँ जी बाहर। तो उनका कोई खर्चा? 2 साल से वैसे लाते रहते हैं, खुद फिर इनकी पेयरिंग खुद कर।
रखते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से हो। बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त। ये इसके लिए खाका शाका ये निकलता रहता है, तो पीछे भी जालियां हैं। इधर से कोई परिंदा कह रहे थे आप दिखाने को, वो दिखाएं। मैं दिखाता हूँ भाई, भी वो देखते नहीं, देखेंगे बाहर ही। हाँ हम बाहर हैं, बाहर छोड़ना नहीं है मैंने। हाँ जी भाई छोड़े ना, अपने शायद छोड़ लें, कोई बात नहीं, इनका मुझे अंदाजा है कौन कौन। हाँ जी जाहिर बात, ये कौन सा है जी? ये भी 5-10 है यार। अच्छा 5-10 ही हैं ज्यादा हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये आपके फेवरेट ब्रीड में 5 और 10 ज्यादा हैं यार? सारे ही फेवरेट हैं ये, बस आपने कहा कि इधर से भी देखते हैं तो ये हैं, तो सारे एक ही कुछ है यार। लेकिन ये एक टिप सबसे मेन ये है कि ये पर जो है ना चार, ये नजदीक होने चाहिए। जितना इनमें आपस में फासला चार परों में कम होगा, उतना आपका कबूतर अच्छा होगा, उतना उसका जोर कम लगेगा। ये याद रखिएगा, ये परों में चार, ये जो पर है ये देखिए कैसे शानदार, ये जितना ऊपर आता जाएगा उतना पर अच्छा होता चला जाएगा। एक टिप है आपके लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 के 10 पर हैं ये, आप देख लें कैसे शानदार पर है इसका। साइज ये कॉम्पैक्ट साइज है, जेट का आइडियल साइज है ये, इतना सा छोटा सा साइज है, बहुत छोटा भी नहीं है ये। अगर आप कहेंगे जी बहुत छोटा साइज है, और ये मजे की चीज ये है, इन कबूतरों की ये टिप है, ये आपको मैं दे रहा हूँ, और ये आपको ये देखिए कबूतर को जब छोड़े ना तो ये आपको लंबा चौड़ा नजर आएगा, और जब ये हाथ में आ जाते हैं तो सिमट जाते हैं बिल्कुल, तो यही इनकी टिप है। ये दो टिप्स आपको दे दिए, कबूतर के साइज देख लें, चौड़ी छाती उनके मादा पतली भी चल जाती है। कबूतर ने अमूमन ये देख और कबूतर चलते हैं जोड़े में, तो आप अंदाजा लगा लें फिर किस तरह का जोड़ा होना चाहिए। ये देखेंगे आप कबूतर देखें, ये भी अच्छा कबूतर है, ब्रीडर ब्रीडर कबूतर है माशाल्लाह। ये देखिए ये देखिए कैसी बड़ी गोल आंख, बिल्कुल पुतलियां सबकी गोल। हर परिंदे पे इस तरह ये ना लाल थीम्स आते हैं इनके ना, ये वाले जो आ रहे हैं बहुत ही शानदार कबूतर माशाल्लाह, तेज परे कबूतर है, और हल्का सा इनको अगर आप क्रॉस देंगे तो उसके बाद आप इनको बेहतरीन, वैसे तो ये प्योर भी उड़ते हैं लेकिन अगर इनको और क्रॉस दें तो और मजीद रिजल्ट ज्यादा ही होता जाएगा। क्या बात, नहीं जी बेस्ट कबूतर है ये माशाल्लाह। ये कितना कौन, ये भी 5 41 नंबर है, 41 यार। फीमेल्स के साथ सारा लिंक्स होता है, मतलब आपने उनसे खेला है, आपस में है ये सब परिंदे ना, मतलब 3 से 4 ब्लड आपने नरों के लिए और उनके साथ फीमेल पे खेलते रहे। ये पुराने चोइसा वाले जो टैडी कबूतर है ना, ये वो ही है सारे, इनकी उलादे बस आपस में शफल वही मैं कह रहा हूँ। हाँ जी वो होती रही है, उसके बाद फीमेल्स के साथ आप खेलते रहे, सब एक ही है परिंदे ना, सिर्फ बाप का जो नंबर था पुराने वो आपको मैंने बताया, वो वही चल रहे हैं कि यार ये उसका बेटा है ये उसकी बेटी, वो याद रहता है। हाँ जी वो सारे इनका रिंग्स इनके फिक्स उसी तरह बचपन में और हर चीज। शबी ये वाली जो रिंग आप डाल रहे हैं ये मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होती अंडे छंडों में यार? ये सारी उम्र हो गई है यार, कुछ भी नहीं है।
बहुत आला जी माशाल्लाह। स्ट्रक्चर वाइज मजबूत तरीन कबूतर है और मुलायम तरीन कबूतर है, परेल कबूतर है, फिटनेस में फिट है पूरे। और ये मैं आप कबूतर छोड़ रहा हूँ, ये देखें, ये जी कबूतर है उस्ताद शुएब भट्ट साहब के। उम्मीद करते हैं आपको ये तमाम कबूतर पसंद आए होंगे। तमाम कबूतर उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले कबूतर है और उस वक्त के कबूतर हैं जिस वक्त में इनकी परफॉर्मेंसेस जो स्टार्ट हुई थी और ये उड़ना शुरू हुए थे। तो 0333-427-3868 शुएब भाई का नंबर है। उम्मीद करते हैं कि तमाम तरह कबूतर आपको पसंद आए होंगे, बहुत ही जबरदस्त कबूतर है। और जो दोस्त अहबाब जिनको स्पेशली जिनको उड़ाने का शौक है उनके लिए तो ये एक बेहतरीन जबरदस्त किस्म का तोहफा है जी। चौधरी अशरफ साहब नंबर नीचे लिखा हुआ है तो आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जी ये आज का शौक एक यादगार शौक हुआ होगा। इस शौक के साथ ही अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को उस्ताद शुएब भट्ट साहब के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह।